सरकारी अनाज की हो रही कालाबाजारी। सरकारी अनाज को कोटेदार ने व्यापारी को बेचा। पहुंची पुलिस, अनाज सहित व्यापारी को ले गई थाने। खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद से है। दरअसल स्थानीय सुरेरी थाना क्षेत्र के अड़ियार गांव के कोटेदार उर्मिला देवी द्वारा सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी करते हुए एक व्यापारी को अनाज बेचने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कोटेदार द्वारा व्यापारी को अनाज बेचने पर व्यापारी द्वारा अनाज को ले जाते वक्त रास्ते में कुछ ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ा। व्यापारी से पूछने पर बताया कि मुझे कोटेदार द्वारा फोन करके बुलाया गया, जिसके बाद मैंने 2 बोरी चावल खरीद लिया। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने जब अनाज से 2 बोरी के साथ व्यापारी को पकड़ा तो मौके पर ही डायल 112 पर फोन कर सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर स्थानीय पुलिस भी पहुंची। साथ ही ग्रामीणों ने पूर्ति निरीक्षक को मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंचे पूर्ति निरीक्षक ने मामले में कोटेदार के खिलाफ सरकारी अनाज की कालाबाजारी करने का आरोप में जांच शुरू कर दिया है। बता दें कि कोटेदार से अनाज लेने वाले व्यापारी का नाम ज्ञान दास गुप्ता है, जिसे चावल से भरी 2 बोरी खरीदा है। गया ना भाई, राशन कितना दिन से ले जाले आप? पहली बार ले जाते हैं? हाँ भैया, पहली बार। कैसे किलो दिए हैं ना? क्या भाव दिए हैं आपको? 16। अच्छा अच्छा, 2 बोरा है। हाँ। चावल है, गेहूँ है? चावल। 16 रुपया किलो। कौन बेचती हैं आपको? कौन है? कोटेदार उर्मिला देवी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। गया ना भाई। हाँ। आपको कैसे पता चलता है कि ये राशन बेचती हैं? सब फोन के बुलाई है तब हम आई है। अच्छा, आपको फोन करके बुलाते हैं? हाँ। कि आइए ले जाइए। हाँ। अच्छा, नंबर आपका है उनके पास? है। अच्छा, ठीक ठीक। मैं राकेश कुमार, फूट नीचे ग्राम। दोपहर बाद लगभग जो है 3 बजे के समय मुझे सूचना मिली थी, अड़ियार में जो है कोई व्यक्ति है वो सरकारी खाद्यान्न ले जा रहे हैं 2 बोरी, और कितने ले जा रहे हैं? मतलब खरीद के 2 बोरी खाद्यान्न ले जा रहे हैं, और मौके पर जो है गाँव वाले उनको पकड़ लिया जो है, और पुलिस टीम को जो है सूचित किया है। पुलिस टीम द्वारा उन्हें थाने ले जाया। मौके पर मैं थाने पहुंचा जो है, और पाया कि यहाँ पे 2 बोरी खाद्यान्न जो है सरकारी खाद्यान्न मिला, हाथ से सिला हुआ 2 बोरी चावल जो है पाया गया। मौके पर जो है जो खाद्यान्न ले जा रहे थे वो भी उपस्थित पाए गए। उनके द्वारा यही बताया गया कि वो कोटेदार के यहाँ से खाद्यान्न ला रहे हैं। कोटेदार कौन है? वहाँ की कोटेदार उर्मिला देवी। उर्मिला देवी, उनके खिलाफ जो है जो कार्रवाई होगी वो? और मेरे द्वारा जो है जांच की जा रही है, जो है जांच के उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।